इधर प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के न्याल कन्याट में 15 लाख जबकि भड़ाल में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु डिस्पेंसरी का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उनका ये कहना था कि इन पशु डिस्पेंसरी के बनने से नजदीक की पंचायतों के पशुपालकों को अपने पशुधन का उपचार करवाने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। इन पशु डिस्पेंसरी में जरूरत पड़ने पर पशुधन की सर्जरी की सुविधा भी मिल सकेगी। नलके का पानी पहुंचा दिया, स्कूलों में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, आज पशुओं में भी सुधार की जो है वो कोशिश की जा रही है कि हम अच्छी नस्ल के पशु रखें और दूध की जो हमारी परंपरा ये दुधारू पशु रखने का उसको दोबारा हम करें। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि गाय का दूध जो है वो हम आपको से 45 रुपये किलो लेंगे और भैंस का दूध जो है वो आपसे 55 रुपये किलो लेंगे और 350 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा प्लांट जो है, एक दूध की इंडस्ट्री जो है वो हम धुगवार में लगाने जा रहे हैं। पहले वाली सिर्फ 1 लाख लीटर दूध के लिए बनाई थी लेकिन वो ठीक नहीं है और एक आधुनिक दूध के लिए बहुत सी चीज़ें उससे बनेंगी। कारखाना जो है वो हम दरबार में खोलने जा रहे हैं जिसका विधिवत उद्घाटन जो है हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश करें और हम चाहते हैं कि गांवों में दूध सोसाइटियां बने। अभी तक लगभग 250-300 दूध सोसाइटियां बनी हैं लेकिन रजिस्टर बहुत कम हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने दुधारू पशु रखे चाहे वो अनपढ़ ही है वो उस सोसाइटी की जो है वो सदस्य बने।